इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिविडेंड के ट्रीटमेंट को पिछले वीडियो में क्लियर किए थे। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को आज पूरा डिटेल में समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यानी कि पहले तो ये देखें कि सिक्योरिटीज क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है उसको पहले समझ लीजिए। इन द सिक्योरिटीज इंक्लूड डिबेंचर्स, कोई भी कंपनी के डिबेंचर्स है या सर्टिफिकेट जैसे गवर्नमेंट इश्यू करती है, बॉन्ड्स इश्यूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और ट्रेडिंग कंपनीज, ये सब चीजें सिक्योरिटी के अंदर आती है। और जनरली सिक्योरिटी पे साल में 2 बार यानी कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है और इसका रेट भी फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है? तो सिक्योरिटी केवल 2 टाइप की होती है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और दूसरा नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट केवल 2 ही टाइप की सिक्योरिटी होती है, उसको भी फिर अलग अलग क्लासिफाई करके आपको बता रहे हैं। कि सबसे पहले देखिए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी 2 टाइप की। पहले तो हमने ये देखा कि सिक्योरिटी 2 टाइप की, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में भी 2 टाइप की सिक्योरिटीज, ए टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और दूसरा होता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 टाइप की, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा होता है लेस टैक्स। तो पहले आप इसको समझिए, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, हमको उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, वो हमारे लिए एग्जेम्प्टेड होती है, यानी कि उसका इंटरेस्ट हमारे लिए एग्जेम्प्टेड होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा है मतलब इसका इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्टेड होगा, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड। इसको कुछ मतलब इनकम में हमारे जोड़ना ही नहीं है, ऐड ही नहीं करना इसको इनकम में। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट हमेशा एग्जेम्प्टेड, यानी कि उस पर आपको कुछ भी नहीं करना, इग्नोर कर दीजिए क्वेश्चन में यदि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट दिया है तो। और दूसरा है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपने देखा कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल होता है, ये इनकम में जोड़ते हैं। तो इसका इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल, इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, यानी कि जितना दिया है उतना इनकम में जोड़ देना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट टीडीएस निकालती है, यानी कि टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसमें गवर्नमेंट टैक्स का डिडक्शन नहीं करती है, टीडीएस नहीं काटती है, जितना हमारा इंटरेस्ट होता है पूरा का पूरा हमको दे देती है, इसलिए इसको कहीं भी ग्रॉस अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रॉस ही अमाउंट होता है। जितना गवर्नमेंट हमको देती है वो पूरा हमारी इनकम में जुड़ जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं हुआ। तो इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है और इसका इंटरेस्ट कभी भी ग्रॉसअप नहीं करना, जितना दिया है पूरा का पूरा इनकम में जोड़ दीजिए, वही ग्रॉस और वही नेट है, यानी कि ये कभी भी ग्रॉसअप नहीं होगा, इंटरेस्ट विल नॉट बी ग्रॉस अप ऑन सच सिक्योरिटीज। इस सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को कभी भी ग्रॉस अप नहीं करना, ऑलरेडी वो ग्रॉस ही है क्योंकि उसमें टीडीएस नहीं कटा है, कोई टैक्स उसमें नहीं कटा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2, टैक्स फ्री लेस टैक्स, टैक्स फ्री इनकम में ऐड नहीं करना है और लेस टैक्स जितना दिया उतना जोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा उसको जोड़ दीजिए। यदि क्वेश्चन है ये नहीं लिखा है कि ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या लेस टैक्स, तो हमेशा उसको लेस टैक्स ही
मानना चाहिए और उसका इंटरेस्ट जितना भी दिया है या कैलकुलेट करके और उसको इनकम में जोड़ देना चाहिए सीधा सीधा। कुछ भी आपको उसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, ज्यादा उसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कमर्शियल सिक्योरिटीज यानी कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज और इसमें सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती है, चाहे वो आरबीआई की हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या पोर्ट ट्रस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब की सिक्योरिटीज भी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंक्लूड करते हैं। तो कमर्शियल सिक्योरिटीज यानी कि प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज और सेमी गवर्नमेंट दोनों को इसमें इंक्लूड मानते हैं। इसमें भी दो है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा लेस टैक्स। तो सबसे पहले देखिए टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जिसके इंटरेस्ट पे हमको टैक्स नहीं देना पड़ता, वो हमारे लिए टैक्स फ्री। मतलब जिस कंपनी की टैक्स फ्री सिक्योरिटी हमारे पास है वो कंपनी खुद उस पर टैक्स पे कर देती है, हमको नहीं देना पड़ता है, हमको पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इस सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट हमेशा ग्रॉस अप करके ही इनकम ऐड करते हैं हमेशा। तो अब इसको क्यों, जब आप बोलेंगे कि भाई इस पर टैक्स ही नहीं कटता है क्योंकि हमको टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, जब कंपनी हमारी तरफ से पे कर देती है, हमारे इसमें टीडीएस नहीं करता है, तो फिर इसको ग्रॉस अप क्यों करेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट 10,000 है और वो 10,000 पूरा हमको मिल गया, कंपनी ने पूरा का पूरा दे दिया, और मान लीजिए कि उस पर 1,000 रुपए टैक्स बनता है जो कंपनी हमारी तरफ से पे कर देती है। अब वो 1,000 रुपए कंपनी नहीं देती तो हमको देना पड़ता, तो 1,000 रुपए हमारा बच गया, सेव हो गया, वो हमारी मतलब उतनी एक हिसाब से देखा जाए तो वो हमारी उतनी इनकम होगी क्योंकि हमको उतना पेमेंट नहीं करना पड़ गया, हमारा उतना टैक्स बच गया, तो एक हिसाब से ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो ये भी हमारी इनकम में जुड़ जाता है। तो जैसे 10,000 है और 1,000 मान लीजिए उस पर कंपनी ने हमारी तरफ से मतलब कंपनी ने अपनी जेब से टैक्स पे कर दिया, हमको नहीं देना पड़ा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो 1,000 हमारा बेनिफिट है, तो 10 और 1 11,000 होना चाहिए वो। तो इसलिए इस टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हमेशा इसलिए ग्रॉस अप करते हैं क्योंकि हमको तो पूरा पैसा मिल गया लेकिन हमारी कंपनी उस पर टैक्स पे कर रही है हमारे उस इंटरेस्ट पे जो हमारे लिए बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट भी हमारी इनकम में जुड़ना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इसको हमेशा ग्रॉस अप करके ही इनकम में जोड़ने के लिए बोलती है। तो इसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे, क्योंकि इसको हमेशा ग्रॉस अप करना ही है, टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट देती है मतलब ग्रॉस अप करके ही इनकम में जोड़ना है, तो इसको ग्रॉस अप कैसे करेंगे। तो इसको ग्रॉस अप करने के लिए आप डेट देखिए, यदि 13 मई 2020 या उसके पहले हमको मिला है तब उसमें टीडीएस 10% करता था, तो मतलब टीडीएस नहीं करता था, टैक्स पे होता है उसमें, टीडीएस तो हमारा करते नहीं इसमें, तो उसमें पहले 10% टैक्स पे होता था, तो हम उसको ग्रॉस अप करेंगे जितना भी हमको इंटरेस्ट का अमाउंट दिया रहेगा इसमें मल्टीप्लाई 100/90। ये 100/90 क्यों, क्योंकि इसमें जो टैक्स का रेट होता है वो 10% होता है, तो हमको तो पूरा पैसा मिल गया लेकिन उस पर टैक्स और हमारा कंपनी पे कर रहा है जिससे हमको इंटरेस्ट मिला है, तो हमको जो अमाउंट मिला है वो 90% नेट अमाउंट मान लिया जाता है, तो इसलिए उसको ग्रॉस करने के लिए 100/90। और यही 13 मई के बाद यानी 14 मई 2020 या उसके बाद मिला है तो ग्रॉस अप कर चेंज हो गया क्योंकि उसमें टैक्स का रेट भी चेंज हो गया, जो टीडीएस का टैक्स था रेट पहले 10% था तो अब वो घटके 7.5% हो गया, यानी कि अपना जो अमाउंट है वो 92.5 माना जाएगा नेट। तो उसको क्रॉस अप करने के लिए आपका इंटरेस्ट जो भी दिया रहेगा टैक्स फ्री सिक्योरिटीज का
इंटू 100 अपॉन 92.5। 13 मई के बाद है तो 100 अपॉन 92.5 से, और 13 मई 2020 है उसके पहले का है तो 100 अपॉन 90 से ग्रोसअप होगा। तो वापस देखिए कि टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हमेशा हमेशा ग्रोसअप करके ही इनकम में जोड़ना है, और डेट ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए डेट दिया नहीं है कि कब मिला इंटरेस्ट, तो फिर 100 अपॉन 92.5 से आपको इसे ग्रोसअप करना है, और डेट दिया है तो डेट के हिसाब से 13 मई के पहले है तो 100 अपॉन 90। इसके बाद लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टैक्स डिडक्ट होके हमको मिलता है। ये अपना भी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें प्राइवेट एंड कमर्शियल और सेमी गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है, तो इस पे हमको इंटरेस्ट जो मिलता है वो टीडीएस कट के टैक्स कट के मिलता है, तो इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप तभी ग्रॉसअप कीजिए जब क्वेश्चन में इसका नेट या रिसीव इंटरेस्ट लिखाओ, क्लियर कि इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ या नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लिखाओ, नेट या रिसीव वर्ड लिखाओ तो ही। यदि इंटरेस्ट के साथ नेट या रिसीव वर्ड नहीं लिखा है या आपको परसेंटेज दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो भी वो ग्रॉस माना जाता है। तो इसमें आपको तभी ग्रॉसअप करके जोड़ना है जब क्वेश्चन में नेट या रिसीव दिया हो। यदि नेट या रिसीव नहीं दिया तो ऑलरेडी ग्रॉस होगा और वैसा का वैसे इनकम में जोड़ दीजिए। तो इसको अपन इनकम में जोड़ेंगे, लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है इफ नेट और रिसीव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन इट विल बी ग्रॉसड अप। इसको ग्रॉसअप कब करना है, जब क्वेश्चन में इसकी नेट या रिश्यूड अमाउंट दिया हो, और यदि नेट या रिश्यूड नहीं दिया तो ग्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अब ग्रॉसअप कितने से करेंगे, तो इसमें भी ग्रॉसअप करने का वही रूल है कि 13 मई 2020 या उसके पहले का दिया हुआ है तो 100 अपॉन 90 से, और 13 मई के बाद यानी 14 मई 2020 या उसके बाद दिया है तो फिर 100 अपॉन 92.5 से, क्योंकि हमको टैक्स कट के जो अमाउंट मिलता है वो नेट अमाउंट 92.5% है यदि 13 मई के बाद है, तो उसका टोटल अमाउंट निकालने के लिए 100 अपॉन 92.5 कर दो तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जिसको अपन मिलते हैं ग्रॉस अमाउंट, वही ग्रॉसअप कहलाता है। तो लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट हमेशा टैक्सेबल होगा, ऑलवेज इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है, और ये इनकम में आपको जोड़ना ही है, लेकिन ग्रॉसअप कब करना है, जब नेट या रिसीव किया हो, तो नहीं तो ग्रॉसअप करने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी आपको क्वेश्चन में सिक्योरिटीज दी हुई है तो पहले तो आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट रहेगा तो क्लियर लिखा रहेगा कि भाई ये यूपी गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट, कुछ भी गवर्नमेंट का उसमें लिखा रहता है। कुछ भी नहीं लिखा मतलब वो नॉन गवर्नमेंट। अब नॉन गवर्नमेंट में आप देखिए टैक्स फ्री है कि लेस टैक्स है, यदि टैक्स फ्री लिखा है तो ही टैक्स फ्री मानिए, अदरवाइज लेस टैक्स। यदि लिखा नहीं है टैक्स फ्री मतलब लेस टैक्स है, तो टैक्स फ्री है तो लिखा रहेगा क्लियर, तो उसका इंटरेस्ट हमेशा ग्रॉसअप करेंगे। और कुछ भी नहीं लिखा है तो लेस टैक्स मानो, कुछ भी नहीं लिखा है तो लेस टैक्स मानिए उसको। और लेस टैक्स में अब आपको कंफ्यूज होता है कि ग्रॉसअप करें कि नहीं करें, तो आप देखिए क्या उसके इंटरेस्ट के साथ नेट या रिसीव अमाउंट लिखा है, क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट के अमाउंट दिए पर दी है तो क्या नेट या रिसीव दिया है, यदि नेट या रिसीव नहीं लिखा है या इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर वो ऑलरेडी ग्रॉस ही होता है। तो फिर इसको आप ग्रॉसअप कब करेंगे, जब नेट या रिसीव लिखा रहेगा, तो बस ये ध्यान रखिए। और उसके बाद नेट या बोल देगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन मारुति लिमिटेड डिबेंचर्स या मारुति लिमिटेड सिक्योरिटीज
अब इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड लिख दिया मतलब आपको ग्रॉसअप करने पड़ेगा, तो जहां पर नेट या रिसीव लिखा है तभी ग्रॉसअप करना है। तो आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा देख लो गवर्नमेंट है तो टैक्स फ्री है तो इनकम ही मत जोड़ो, लेस टैक्स है तो जितना दिया उतना जोड़ दो, और नॉन गवर्नमेंट है यानी कि उसमें प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट तो उसमें आपको टैक्स फ्री लिखा है तो ग्रॉसअप करके जोड़ो, और लेस टैक्स दिया है तो नेट या रिश्यू लिखा है तो जोड़ो, मतलब ग्रॉसअप करो नहीं तो जितना दिया पूरा जोड़ लो बस। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूज होने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। यदि इतना आप इसमें ट्रीटमेंट कर लेंगे कि कभी भी बस इतना दिमाग में बैठा लो कि गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है तो टैक्स नहीं है कि लेस टैक्स है, कुछ भी नहीं दिया तो लेस टैक्स, और लिस्टेड या अनलिस्टेड लिखा है तो उसमें ग्रॉसअप में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें आपको अच्छे से ये ग्रॉसअप का रूल समझ में आया होगा, और इसके कुछ भी एक्सपेंसेस दिया हो तो इसके एक्सपेंसेस हमेशा माइनस हो जाएंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन सिक्योरिटी को खरीदने के लिए यदि हमने कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा हमेशा, चाहे वो आपने पे किया हो या अप्रूव हो हमेशा माइनस होगा। और यदि हम सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए अपनी बैंक को कुछ चार्जेस पे करते हैं, क्वेश्चन में दे देगा कलेक्शन चार्जेस, तो वो भी माइनस होंगे, और कभी कभी कलेक्शन चार्जेस इसके परसेंटेज में दिए रहते हैं, तो हमेशा बैंक को हम जो कमीशन देंगे वो रियलाइज अमाउंट पे देंगे, ग्रॉस अमाउंट पे नहीं। हाँ क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया कि ग्रॉस अमाउंट पे बैंक को कमीशन देना है कलेक्शन का, तो ग्रॉस अमाउंट पे, अदरवाइज हमेशा नेट रियलाइज अमाउंट पे कमीशन कैलकुलेट करके माइनस करना चाहिए। तो इसके एक्सपेंडिचर भी माइनस हो जाएंगे, चाहे वो कलेक्शन चार्जेज हो या इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने सिक्योरिटी खरीदने के लिए लिया है, तो वो भी सब माइनस हो जाएंगे, इसलिए उसमें कोई और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।